कहाँ पर डीजल और पेट्रोल फ्री में मिलता है, आदमी कितने हवा को शुद्ध कर सकता है, कौन सा जीव है जो खड़ा होकर सोता है, वाटर प्रूफ मोबाइल कहाँ पर अधिक चलता है। वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा वीडियो के अंत तक बने रहे। यानी कि एक आदमी मनुष्य का जो दिल होता है वह कितने हवाओं को यानी कि ऑक्सीजन को हवा को वह शुद्ध करता है, आप जानकर चौंक जाएंगे। ओ माय गॉड, कितने हवा को वह शुद्ध करता है। जी हाँ, वह जो हवा है वह 20 लीटर यानी कि 20 लाख लीटर हवा को एक दिल यानी कि मनुष्य का जो दिल होता है इंसान का, वह 20 लाख हवा यानी 20 लाख हवा लीटर को वह शुद्ध करता है। गाय एक मनुष्य का यानी कि जो मनुष्य का छींक आता है, ऐसे भी तो आंख खोलकर छींकना ही नहीं चाहिए, मैं वीडियो बना चुका हूं आप देख सकते हैं, लेकिन जो छींक आता है वह कितने की स्पीड से आता है आप लोग कहेंगे, कोई उसका स्पीड दर नहीं होता होगा, लेकिन बहुत अधिक या जहाँ से यानी कि पेट से हमारा जो छींक चलता है वह 166 किलोमीटर यानी 166 से लेकर 300 के स्पीड में छींक, यानी कि एक इंसान का नाखून कहा जाता है कि यह मरणशील है, यह बात करेक्ट है, मरणशील है, लेकिन आप इसे कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि यह वास्तविक यानी कि प्रमाणित किया जा सके कि यह नाखून जो है वह मरणशील ही है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति मर जा रहा है, अगर उसे आप फ्रिज वगैरह यानी कि उसे ऐसे जगह रखे जहाँ पर वह सर नहीं सके, अगर उसे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि उसका जो नाखून है वह बढ़ जाएगा, जितना रहेगा उससे बढ़ जाएगा। अगर आपके पास चार चक्का है, अगर चार चक्का चलाने के लिए आपको ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, लेकिन कहाँ की सरकार है जो आपको फ्री में यानी कि प्रत्येक सप्ताह फ्री में आपको ईंधन पेट्रोल डीजल आवश्यकता कराती है यानी कि प्रदान करती है, फ्री में बांटती है, भारत सरकार तो नहीं करती है, लेकिन तुर्किस्तान के सरकार जो है तुर्किस्तान के, वह 120 लीटर प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक कार पर, यानी कि आपके पास दो कार है तो मात्र 120 लीटर ही मिलना है, एक कार पर 120 लीटर तेल यानी कि ईंधन। वह क्या आप हम लोग मनुष्य यानी कि इंसान जो है क्या खड़े होकर सो सकते हैं, आप लोग कहेंगे कि नहीं सो सकता है, सो सकता है तो कुछ ही सन नहीं, अगर आप खड़े होकर सो रहे हैं तो आप तुरंत ही गिर जाइएगा, जैसे कि आप कोशिश ना करें, लेकिन एक जीव जंतु है जो खड़े होकर ही सोता है यानी कि सो सकता है, जो कि हाथी है एलिफेंट वो खड़े होकर सो सकता है, जो यानी कि घोड़ा हॉर्स है वो भी खड़े होकर सो सकता है, वह सोता भी है। क्या आप लोग हम लोग ने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि जो जैसे कि हम लोग एजेंसी में जाते हैं कार खरीदने के लिए, जो कार खरीदते हैं उस समय देखा जाता है कि कार अच्छे हैं, लेकिन आपने कभी देखे हुए हैं कि एजेंसी में कार खत्म होते हुए नहीं देखे हुए हैं, लेकिन फैक्ट्री में कितने मात्रा में कार को तैयार किया जाता है, यानी कि एक दिन के अंतर्गत 1.5 लाख कार को एक दिन के अंतर्गत पूरे वर्ल्ड में फैक्ट्री में कार को तैयार कर दिया जाता है। क्या आपने जो मोबाइल यानी कि स्मार्टफोन चला रहे हैं वह स्मार्टफोन वाटरप्रूफ नहीं होगा, यह बात तो करेक्ट है कि वाटरप्रूफ नहीं होगा, लेकिन वाटरप्रूफ वाला जो आजकल जो कि मोबाइल चला हुआ है, लेकिन अक्सर जो वाटरप्रूफ वाला जो मोबाइल है फ़ोन है वह कहां पर अधिकतर यूज किए जा रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि जापान, यानी कि जापान में जितने मोबाइल हैं स्मार्टफोन हैं उनमें से 90% वाटरप्रूफ वाला ही मोबाइल चलता है, बाकी जो एक काले रंग का व्यक्ति है यानी कि थोड़ा सा वह सांवले रंग का व्यक्ति है और वह एक बहुत अधिक गोरे रंग का व्यक्ति है जो कि बहुत अधिक गोरे हैं, लेकिन अगर दिल का दौरा यानी कि जो दिल का धड़कन होता है हार्ट अटैक जो कहा जाता है वह किसको अधिक होता है, काले रंग वाले व्यक्ति को या गोरे रंग वाले व्यक्ति को, गोरे रंग की अपेक्षा काले रंग व्यक्ति को दिल का धड़कन जो होता है वह कम यानी कि हार्ट अटैक जो होता है वह कम मात्रा में काले रंग व्यक्ति को होता है। अक्सर कहा जाता है कि जो यानी कि जो व्यक्ति रोते हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, यह बात आप जानकर चौंक जाएंगे, ओ माय गॉड क्या खुशखबरी है रोने वाले व्यक्ति के लिए, जी हाँ एक खुशखबरी यह है कि जो व्यक्ति अगर रोता है अधिक उसका हाथ यानी कि जो हैंड है उसका हैंड जो है वो अधिक मात्रा यानी कि उसको दर्द कम होगा, जैसे कोई काम व्यक्ति कर रहा है हैंड से हाथ से कोई भी प्रक्रिया कर रहा है तो उसका हाथ दर्द कम होता है, जो अधिक रोता है उसका। गाय जब किसी व्यक्ति को फांसी पड़ता है यानी कि फांसी देने का सजा दिया जाता है कि उस व्यक्ति को फांसी दिया जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब फांसी दिया जाता है उस समय यानी कि कौन कौन सा व्यक्ति वहाँ पर मौजूद रहते हैं, आप लोग कहेंगे कोई व्यक्ति, फांसी दिया जाता है उस समय यानी कि कौन कौन सा व्यक्ति वहाँ पर मौजूद रहते हैं, आप लोग कहेंगे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहता होगा, लेकिन
वहाँ पर व्यक्ति रहते हैं डॉक्टर जो जेल के अधीक्षक वहाँ रहेंगे, हेड कांस्टेबल रहते हैं जो जलाद हैं वहाँ रहते हैं। डॉक्टर इसलिए रहते हैं कि चेक करते हैं कि यह व्यक्ति पूर्ण रूप से मरा या भी जिंदा है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।